क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानेंगे। एक्सरसाइज 3.3, 3.2 हम कर चुके हैं। उसके नेक्स्ट है अब क्लास 10th इंग्लिश मीडियम मैथ्स, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे चेक करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? मैक्सिमम पावर जो होनी चाहिए वो एक्सी पावर 2 होनी चाहिए। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, खाली एक्स की पावर 2 ये, और प्लस 3x है ये भी यस, एक्स स्क्वायर प्लस 3 है ये भी यस, अगर ओनली एक्स प्लस 4 नो, और कोई बोल देता है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब आप कहोगे एक्स स्क्वायर है पर बड़ी पावर क्या है एक्स क्यूब, ये भी नो। क्वाड्रेटिक होने के लिए सबसे बड़ी पावर स्क्वायर होनी चाहिए, वो अकेली हो, एक्स के साथ हो, कांस्टेंट के साथ हो, या ओनली कांस्टेंट के साथ हो, ओनली एक्स स्क्वायर हो, यस। तो आपके समझ में आ गया होगा। तो जो आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको यही देखना है कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको चेक करके हम बता रहे हैं एग्जाम्पल के लिए आपको, क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8, x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इजिकल टू x प्लस 2 एक्स माइनस 2, x प्लस 2 एक्स माइनस 2। ये बना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, इससे इसका मल्टीप्लाई, इसका 1 से मल्टीप्लाई, इधर ए प्लस बी ए माइनस बी, सबको एक तरफ ले आते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 4, ये एक्स स्क्वायर इससे कैंसिल, एक्स प्लस 12। अब आप ये इसको चेक करेंगे, सबसे बड़ी पावर ओनली एक्स है, मोनोनोमियल नो, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक नो। सेकेंड पार्ट देख लीजिए, एक्स प्लस 2 का क्यूब एक्स क्यूब माइनस 4, एक्स प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। आप यहां देखेंगे तो ये ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये आइडेंटिटी है आपकी, आइडेंटिटी बताई थी हमने अभी आपको लास्ट चैप्टर में। ये बन जाएगा 2 3 6 एक्स स्क्वायर, 4 3 12 एक्स, ये वाला एक्स क्यूब भी इधर लिया है, 4 भी इधर लिया है, एक्स क्यूब कैंसिल, 6x² प्लस 12x, 8 प्लस 4 12, यस इट इज क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर है इसमें बड़ी पावर। कुछ समझ में आ रहा होगा दोनों एग्जांपल से। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, इसका जो थर्ड पार्ट है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इजिकल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। इधर आप देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एज इट इज, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, सबको एक तरफ ले आएंगे, आप देखेंगे एक्स स्क्वायर कैंसिल, 3 प्लस 4 7x, माइनस का 3,
एक्स है, ओनली एक्स, मोनोनोमियल, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक। नो। फोर्थ लास्ट फाइनल पार्ट, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। एलसीएम लिया इसका हमने एक्स, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स क्यूब, ये जीरो से मल्टीप्लाई होगा। सबसे बड़ी पावर इसमें क्यूब है? नो इट इज नॉट। तो आपका बस एक यस है, बाकी तीनों नो है। 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डन हो गया। क्वाड्रेटिक समझा दिए, चारों पार्ट देख लिया आपने। इसके हम सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेकेंड क्वेश्चन। फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इसका हमें रूट्स निकालने हैं बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने हैं फर्स्ट क्वेश्चन है। टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री, बहुत इजी है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे जैसे आप करते आए हैं हमेशा। थ्री टू या सिक्स, तो थ्री और टू ही होंगे इसके। थ्री टू फाइव होते हैं और मल्टीप्लाई करने पर सिक्स आ रहा है। टू एक्स कॉमन, माइनस का थ्री कॉमन, एक्स माइनस वन, तो जो रूट्स बनेंगे एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल वन, एक आंसर। 2x इज इक्वल टू थ्री, तो x इज इक्वल टू थ्री बाई टू, ये रूट्स आ गए। सेकेंड पार्ट, नाइन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू, इसमें भी नाइन टू जा एटीन, सिक्स थ्री जा एटीन, सिक्स और थ्री भी रैक होंगे। सिक्स माइनस का थ्री प्लस का,
इन दोनों में से 3x कॉमन, 3x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन प्लस 1, तो ये बन गया 3x माइनस 2 3x प्लस 1। जब 3x माइनस 2 को जीरो करेंगे तो x की वैल्यू 2/3 एक आंसर, 3x प्लस 1 को जीरो करेंगे x की वैल्यू -1/3 सेकंड आंसर। थर्ड पार्ट देखेंगे, रूट 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0 प्लस 7√3 प्लस 7√3 है। इधर भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, आप रूट 3 देख रहे होंगे, रूट 3 इंटू रूट 3 3 होता है, 3 7 जा 21, तो इसके ब्रैक 3 और 7 हो जाएंगे 10 के, 3x और 7x ये इसके ब्रैक होंगे। इन दोनों में से रूट 3x कॉमन, इन दोनों से 7 कॉमन, x प्लस रूट 3, रूट 3x प्लस 7, x प्लस रूट 3 को जब 0 के इक्वल रखेंगे एक आ गया रूट्स, रूट 3x प्लस 7 को 0 के इक्वल रखा, -7/√3। तो इस प्रकार से आपके हमने 3 पार्ट्स कर दिए, टोटल इसमें 11 पार्ट है। आगे भी बढ़ते हैं, इन 3 पार्ट्स को आप ढंग से कर लीजिए, फिर आगे हम एक बार और करते हैं, ये वाली एक्सरसाइज भी आज हम आपकी डन कर देंगे। फोर्थ पार्ट देखिए, एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, इसकी मिडिल टर्म करेंगे, 16 होता है 4 4 जा 16, तो दोनों उसके ब्रैक आए 4 4, x माइनस 4 को 0 रखा और यहाँ भी 0 रखा, दोनों 4 4 आंसर आ गए। फिफ्थ पार्ट, वन अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 6 अपॉन एक्स। एलसीएम लेंगे सबों का एक साथ, चाहे अलग अलग ले लो चाहे एक साथ ले लो, इसका एलसीएम आएगा एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1, ये इधर गया, ये इधर गया, ये एज इट इज ये बन गया 3x माइनस 5, मल्टीप्लाई करा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया
सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12, 3x स्क्वायर माइनस 5x, 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर 18x प्लस 5x, 3x स्क्वायर माइनस 13x ट्वेल्थ थ्री 36, 9 and 4 इसके ब्रैक। माइनस के होंगे दोनों, 3x कॉमन, माइनस के 2 कॉमन, माइनस के 4 कॉमन, x माइनस 3, तो ये बन जाएगा x माइनस 3 को जब 0 के इक्वल और 3x माइनस 4 को 0 के इक्वल रखा तो x 4/3, तो आपका ये फिफ्थ पार्ट भी डन हो गया। सिक्स्थ पार्ट, आज आपका 3.3 पूरी डन कर देंगे। सिक्स्थ पार्ट पर आते हैं। पार्ट सिक्स हमसे कह रहा है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1, हंड्रेड एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10x, 10x कॉमन आ गया, माइनस 1 कॉमन आया, 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 10x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/10, 10x इज इक्वल टू 1, क्वेश्चन नंबर 7th पर आते हैं। 7th पार्ट कहता है 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2 3 6 और 2√6 के ब्रैक होंगे √6 और √6, क्योंकि √6 को √6 से मल्टीप्लाई करने पर 6 आता है, तो मल्टीप्लाई तो 6 आ गया और इनको ऐड करने पर ये आएगा। अब √6 का कॉमन क्या है, √3 कॉमन आएगा। कैसे, 3 का आप देखोगे तो 3 के ब्रैक बनेंगे √3 इंटू एक्स इंटू एक्स, और इसके ब्रैक देखोगे √3 √2 इंटू एक्स, तो ये वाला √3 और ये एक्स कॉमन आएगा, √3x कॉमन, √3 बचा और x बचा, माइनस का √2 बचा। सिमिलरली इसमें से √2 कॉमन,
उसमें से कैसे बचेगा? रूट सिक्स का तो समझ में आ ही गया आपको, और टू का रूट टू इंटू रूट टू, इसलिए रूट टू कॉमन। सेम ब्रैकेट बने हैं, इसको जब हम जीरो के इक्वल करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू रूट टू अपॉन रूट थ्री आ गई। सेम इस वाले में आएगा, एक्स की वैल्यू रूट टू अपॉन रूट थ्री आ गई, और आपका ये पार्ट नंबर सेवन भी डन हो गया। हम आते हैं पार्ट एट पर। टोटल 11 पार्ट्स हैं, आपको थोड़ी टिपिकल ना लगे इसलिए हम सारे पार्ट्स आपके सामने कर रहे हैं। पार्ट एट, एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस सेवन, एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस सेवन, मल्टीप्लाई पे सेवन और एट के, तो सेवन और वन डिवाइड होंगे इसके, सेवन एक्स प्लस वन। इधर से एक्स कॉमन, वन कॉमन, एक्स प्लस सेवन, एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो। और माइनस वन, ये इसके आंसर आ गए। क्वेश्चन हम इसके नाइन्थ पार्ट पर आते हैं। नाइन्थ पार्ट, फिर टेंथ और इलेवेंथ, फिर आपकी 3.3 डन हो जाएगी। एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस सेवन अपॉन टू एक्स माइनस थ्री। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, इसका इधर करेंगे ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6x माइनस 9, 3x स्क्वायर 7x प्लस 6x माइनस 14। ये सारे क्योंकि एक्स स्क्वायर की बड़ी पावर यहाँ पर है थ्री है या टू है, इसको यहाँ ले जाएंगे। पहले ये लिख रहे हैं हम, ये वाला माइनस का टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स। अब आप इसमें से माइनस प्लस करेंगे, थ्री में से टू गया, एक्स स्क्वायर सिक्स सेवन और सिक्स थर्टीन, सिक्स से सिक्स कैंसिल हो गया, सेवन में से थ्री गए फोर, फोर्टीन में से नाइन गया फाइव, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गई इसकी, फाइव माइनस का वन प्लस का, दो ब्रेक आ गए एक्स माइनस फाइव, और जो जीरोज आए
एक्स माइनस फाइव को जीरो करा तो एक्स इजिकल टू फाइव एक आंसर, और जब एक्स प्लस वन को जीरो करा टेंथ पार्ट फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर एक्स प्लस ए फोर माइनस बी फोर सबसे पहले ये ब्रैकेट ओपन करेंगे ए फोर माइनस बी फोर वाला सेम ये बन जाएगा टू एक्स का होल स्क्वायर फोर बन गया टू एक्स का होल स्क्वायर गौर करना थोड़ा थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा और ये बन रहा है ए स्क्वायर का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर या माइनस टू ए बी और ये एज इट इज तो आप देखेंगे टू टू जब फोर एक्स स्क्वायर सही है ए स्क्वायर टू ए बी बी स्क्वायर तो ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और इसको भी होल स्क्वायर बना लिया तो अब हमारे पास बन गया आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी ये इसके दो फैक्टर हुए इसको जीरो के इक्वल रखेंगे 2x इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू आंसर इसको जब जीरो के इक्वल रखेंगे x की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर थोड़े इम्पोर्टेंट हैं ढंग से कर लेना एग्जामों में आ जाते हैं ये सवाल तो ये आपका नाइन्थ और टेंथ पार्ट भी डन हुआ लास्ट और फाइनल इलेवेंथ पार्ट और आपकी 3.3 भी इस प्रकार से कंप्लीट ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू में एक्स माइनस बी सी ये एज इट इज रहने दिया ए बी एक्स स्क्वायर इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया माइनस ए सी एक्स इन दोनों में से कॉमन देखो यहाँ बी सिंगल है बी स्क्वायर तो बी आ गया एक्स स्क्वायर एक्स एक्स आ गया बी एक्स कॉमन ए एक्स प्लस बी बचा इन दोनों में से सी सी कॉमन माइनस का तो सेम ब्रैकेट बन गया ए एक्स प्लस बी बी एक्स माइनस सी जब ए एक्स प्लस बी को जीरो के इक्वल एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और जब बी एक्स माइनस सी को जीरो के इक्वल तो एक्स इज इक्वल टू सी अपॉन बी और इस प्रकार से आपका सेकंड क्वेश्चन भी डन एक्सरसाइज 3.3 भी डन ओके नाइस डे गुड बाय